नहीं, काफ़ी सीरियस इशू है। दूसरे कंट्रीज़ ने जो नया वेरिएंट आया है उसको काफ़ी संजीदगी से लिया है, हमने भी उसी संजीदगी इसके लेने की ज़रूरत है, हम ले रहे। आपकी जानिब से आम आवाम को मेरी अपील है कि जो चीज़ आप पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से सुन रहे हैं, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और हाथ की सफाई जो है मेंटेन करना, वह सब चीज़ें करें। मास्क को हमने हमारे पहनावे का पार्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में लोगों के पहनावे अलग अलग है, लेकिन कोविड के चलते हर एक मानव जात के लिए एक पहनावा आया है, वो है नाक और मुंह पर अच्छा तरीके से पहनाया हुआ मास्क। हमने जो है मास्क को कभी भी नीचे नहीं करना चाहिए, चाहे आप पब्लिक प्लेस में है या कहीं भी है, घर से बाहर निकले तो मास्क जो है आपका प्रॉपरली पहनावा होना चाहिए, चाहे ट्रिपल लेयर है या N95 है या कॉटन का बना हुआ है। मास्क किससे बना है वो नहीं मैटर करता है, मास्क कैसे आप पहनते हो और कितने सस्टेन तरीके से पहनते वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ की आवाम को मैं एक बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अपील पर 100% फर्स्ट डोज़ का वैक्सीनेशन किया है। सेकंड डोज़ का वैक्सीनेशन 85% हुआ है, जो 15% के करीब आबादी रही है उनको मेरी अपील है कि वो अपना सेकंड डोज ड्यू डेट्स पर ले लें। शुक्रिया। एजुकेशन सेशन नॉर्मली हमारा एंड होता है, जो लोअर क्लासेस है उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स है वो भी जो है अभी ख़त्म हो जाएंगे। नए साल जो है के लिए एक हफ्ते के करीब स्कूल्स फिर से आते हैं ताकि बच्चों को नए साल के बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ होते हैं फरवरी एंडिंग तक, मार्च में ही खुलते हैं। अभी मेरा प्रयास रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको ऑनलाइन तरीके से हम बरकरार रखें। शुक्रिया। Yes, I'm going to have to go.